किसान साथियों नमस्कार आप अच्छे होंगे ठीक होंगे किसान साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू जिला भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले छः सालों से मैं जैविक खेती या जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं या जिसे हम परंपरागत खेती बोलते हैं वो मैं कर रहा हूँ पिछले चार साल से मैं वेस्टी कम्पोजर के माध्यम से जैविक खेती कर रहा हूँ जिसका बहुत बेहतरीन परिणाम हमें मिल रहा है हमारे साथ काफ़ी किसान साथी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा अनुभव वो किसान साथी भी रखते हैं समय समय के ऊपर वो अपना अनुभव शेयर भी करते हैं इसके लिए उनका बहुत बहुत तय दिल से धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करता हूँ मैं माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी का जिन्होंने एक बेहतरीन और एक सुंदर और एक टिकाऊ उत्पाद बना के वेस्टी कंपोज़र हम लोगों के बीच में लाने का, का काम किया किसान साथियों हमने एक अभियान के तहत साल 2020 में हम जैविक खेती को किस तरह से करें जैविक खेती को किस तरह से हम बढ़ाएं, बढ़ाएँ वेस्टडिकम्पोजर का उपयोग हम किस तरह से करें इन्हीं सभी बातों पर बातचीत कर रहे हैं जिसके साथ भाग कंप्लीट हो चुके हैं उसमें हमने सभी मुद्दों पर बातचीत की जितने ज़रूरी थे अभी तक उन्हीं सभी चीज़ों पर प्रकाश डालने की कोशिश की किसान साथियों यह जो दौर है वो काफ़ी लंबा चलना है और आज जो हमारा मुख्य विषय होगा वो विषय होगा ऐसे क्षेत्र जो हैं जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर वेस्टी कंपोजर को हम किस तरह से उपयोग करें काफ़ी किसान साथियों के ये सवाल भी आए थे व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन्होंने सवाल किए थे और हर वीडियो के नीचे कमेंट करके भी एक किसान साथी ने बार बार रिक्वेस्ट की थी सर हमें इसके बारे में ज़रूर से विस्तार से बताने का प्रयास करें किसान साथियों हम उसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे लेकिन उस पर बातचीत करने से पहले हम कुछ पिछले वीडियो में जो सवाल जवाब हमारे कुछ रहे हैं किसान साथियों के उनके कुछ मुख्य सवालों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा उसमें से एक किसान साथी ने सवाल किया था कि सर सब्जियों के ऊपर विस्तार से वीडियो बनाइए शुरू से हम आखिर तक किस तरह से वैश्विक कंपोज़र का उपयोग करें तो मैं किसान साथी से निवेदन करना चाहूँगा आप कुछ समय वेट कीजिए हर सब्जी पर हर अनाज के ऊपर हर रोग के ऊपर हर कीट के ऊपर अलग अलग पार्ट में ही ये वीडियो बनाने का अभियान मैंने छेड़ा है और इसको मैं पूर्ण आखिर तक ले जाऊंगा आप बेफिक्र रहिए हाँ इतना है कुछ समय इसमें लग रहा है क्योंकि जो कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं वीडियो में देने की या बताने की ताकि आगे आने वाले समय में इस पर हम बार बार चर्चा न कर सकें उन्हीं मुद्दों पर हम ये वीडियो बना रहे हैं किसान साथियों पिछला वीडियो जो वेस्ट डी कम्पोज़र के घोल के ऊपर था जो काफ़ी दिन से किसान परेशान थे परेशान हैं कि सर हम वेस्टी कम्पोज़र का उपयोग कर रहे हैं कंपोजर के रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं जब उनसे पूछा जाता है कि आप वेस्टी कम्पोज़र कहाँ से लाए थे कहाँ से आपने उपयोग किया था तो उनका एक ही सवाल होता है कि सर हमने एमिजन से वेस्टी कम्पोज़र बना मंगवाया था जिसका हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का जो वैस्टी कंपोज़र है वो किस तरह से बनता है किस तरह से उसमें फरमेंटेशन होती है किस तरह से उसमें एक्टिविटीज़ होती तो हैं किस तरह से उसका 24 घंटे में जो एक्टिव होता है या जैसा रिजल्ट आता है वो कैसा होता है 48 घंटे में कैसा होता है बहत्तर घंटे में कैसा होता है छियानवे घंटे में कैसा होता है ये चार पार्ट मैंने बना के आप लोगों के बीच में शेयर किए थे काफ़ी किसान साथियों ने उस पर कहा था जिन जिन किसान साथियों ने उसमें जो कमेंट किए थे सभी किसान साथी बेचारे अमेजोन के मारे हुए हैं सभी को अमेजोन के माध्यम से वैश्डिकम्पोजर मिला लेकिन उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला आज जो किसान साथी वैश्डिकम्पोजर का उपयोग कर रहे हैं या तो वो बन नहीं रहा है बन रहा है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है यहाँ तक कि गोबर की खाद को उन किसान साथियों ने डी कम्पोज करने का, का काम किया जिसके माध्यम से वो खाद आज भी नब्बे दिन के बाद भी वो खाद वैसी की वैसी है तो इस पर एक महानुभाव ने मेरे को फोन कल फोन कॉल करके भी बताया था कि आप इन कंपनीों के अंगेंस्ट किस लिए आवाज़ उठा रहे हैं किस लिए आप कह रहे हैं जो किसान साथी को वेस्टी कंपोजर दिया जा रहा है वो ठीक दिया जा रहा है सही दिया जा रहा है मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा और वो जिस कंपनी का है उसका एड्रेस भी मैं अभी आपको बताना नहीं चाहूँगा उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास सुरक्षित है समय आने के ऊपर मैं उसको जरूर पब्लिक करूँगा लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से उसको ये बताना चाहता हूँ कि आपको खेलने के लिए अगर कोई मैदान है तो वो किसान का मैदान न अपनाएं आप अन्य कोई क्षेत्र ऐसा अपना लें जहाँ पर पूंजीपति लोग हों जहाँ पर बड़े बड़े लोग हों जिनको अगर आप हल्का फुल्का झटका भी देंगे तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसान साथियों के कि साथ खेलने का प्रयास नहीं कीजिए क्योंकि किसान साथी वैसे ही बेचारा भोला है और उसके साथ साथ उसको इतना ज्ञान नहीं है वो आपकी बातों में आके ये हमारी भारत सरकार की कुछ कमियां रही जिस वजह से जो वैश्विक कंपोजर राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा माननीय कृष्ण कुमार चंद्रा जी के दिशा निर्देश में बन रहा था इन कंपनियों के हाथों में गया बहुत दुर्भाग्य है हम किसान साथी लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उन किसान साथियों को राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाज़ियाबाद का घोल किसी भी तरह हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करें किसान साथियों में एक चीज़ और आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा जब भी आप जिस क्षेत्र के हैं जिस राज्य के हैं मैं तकरीबन वीडियो जो है वो टैग कर रहा हूँ हर स्टेट को टैग कर रहा हूँ तो आप YouTube पर अगर सर्च करेंगे जैसे कि कोई किसान साथी महाराष्ट्र का है तो आप वेस्ट डिकम्पोज़र महाराष्ट्र के नाम से सर्च कीजिए उसमें ज़रूर उस फार्मर का वीडियो आपके सामने आएगा जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का यूज़ कर रहा है चाहे वो राजस्थान का हो चाहे हरियाणा का हो चाहे पंजाब का हो चाहे वो तमिलनाडु का हो चाहे केरल का हो चाहे उड़ीसा का हो चाहे किसी भी राज्य का हो हर राज्य को मैं वेस्ट डिकम्पोज़र और आगे उस राज्य का नाम लेके मैं वीडियो को टैग कर रहा हूँ आप सर्च करेंगे तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा उस किसान साथी से आप वो घोल ले सकते हैं आसानी से और फिर भी अगर आपको समस्या आती है तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कीजिए जरूर आपको इसमें पूरी हेल्प की जाएगी मेरे से जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपको घोल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा पीछे भी कुछ किसानों के मैसेज आए उन्हें भी जल्दी हम फॉरवर्ड करेंगे को थोड़ा सा समय का अभाव रहने की वजह से हम उन लोगों के तक वैश कंपोजर अभी तक नहीं भेज पाए हैं कुछ लॉकडाउन की वजह से हम नहीं भेज पाए हैं अब जल्दी ही उनको फॉरवर्ड करेंगे तो ये कुछ चीज़ें जो हमारे बीच में पिछले वीडियो के माध्यम से निकल के आई क्वेश्चन तो अन्य भी काफ़ी हुए हैं किसान साथियों और इसमें मैंने एक चीज़ सोची है कि जब इस पार्ट के दस वीडियो पूरे हो जाएंगे तो उन दस वीडियो में जो सवाल जवाब हमारे बीच में आए उन सवालों की मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा उन सभी किसान साथियों के सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा ताकि उन किसान साथियों को कोई समस्या नहीं आए इस बीच में अगर कोई ज़रूरी सवाल अगर किसी किसान साथी का हुआ तो मैं बीच में भी देने का प्रयास पूरा पूरा कर रहा हूँ किसान साथियों आज हमारा जो टॉपिक है कि असिंचित क्षेत्र जो हैं जहाँ पर केवल वर्षा आधारित ही हम खेती करते हैं वहाँ पर वेस्टी कंपोजर का किस तरह से उपयोग करें किसान साथियों उसमें हमने तीन पार्टों में मैंने बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप आसानी से उस चीज़ का लाभ उठा सकें किसान साथियों इसके अंदर जैसे आप अगर रेन वाटर स्टोरेज कर सकते हैं तो वो करने की अगर आपके पास सुविधा है तो वो कीजिए अगर रेन वाटर आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं या पानी स्टोरेज करने की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो जब भी बरसात आपके क्षेत्र में हो तो उस दौरान आप उससे पहले दस हज़ार लीटर या पाँच हज़ार लीटर या जितना भी आप बना पाएँ प्रति बीघा प्रति एकड़ के हिसाब से आप जैसे ही बरसात होती है तो खाली पड़ी जो ज़मीन है उसमें आप छिड़काव की विधि से इसका उपयोग कर सकते हैं और अगर किसान साथियों को ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं हो वर्षा आधारित खेती है वहाँ पर अगर वो पेड़ पौधे लगाने चाहते हैं तो मैं उन किसान साथियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो अभी समय है हमारे बीच में वर्षा ऋतु आने में तो इस दौरान वो गोबर की खाद बिल्कुल तैयार कर लें वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो हर पौधे में जो गड्ढा आप खो देंगे उस गड्ढे में एक या डेढ़ किलो आप गोबर की खाद ज़रूर डाल दीजिए ताकि उसमें नमी जो है वो बरोबर बनी रहेगी दूसरा इसके अंदर आप जैसे पानी स्टोरेज करते हैं वेस्टडीकम्पोजर आप उसमें देना चाहते हैं माइक्रोन्यूटेन उसमें आप देना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आप एक तो बरसात के आने के तुरंत बाद आप खाली पड़े खेत में वेजडिकम्पोजर जितना हो उतना आप डाल दीजिए जैसे माननी चंद्रा सर ने बताया है कि अगर आप दस हज़ार पाँच हज़ार लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालेंगे तो मात्र 21 दिन में वेस्टी कंपोज़र का रिजल्ट आपके बीच में होगा उसके कुछ वीडियो पार्ट जो भी हैं वो आप देख भी पाएंगे और माननी चंद्रा जी के चैनल के ऊपर और उन वीडियो हर वीडियो को मैं फेसबुक के ऊपर भी हर रोज़ शेयर कर रहा हूँ वहाँ भी उनको आप देख पाएंगे और ये विधि भी बहुत आसान और सुलभ विधि है इसका उपयोग आप कर सकते हैं क्योंकि बरसात का जो मौसम है वो लगातार तीन महीने लगातार कंटिन्यू चलेगा तो इस दौरान आप जितना हो सके उतना कंपोजर आप दे दीजिए उससे फ़ायदा आपको क्या होगा एक तो आपकी जो मिट्टी है वो जल्दी उस मिट्टी के अंदर सुधार होगा और जिसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेक्ट की जो कमी है वो जल्दी पूर्ति होगी उस ज़मीन का पी मान अधिक है तो वो जल्दी मान सामान्य स्तर पर आने का काम वेस्टी कंपोजर के माध्यम से करेगा क्योंकि काफ़ी क्षेत्र ऐसे देखे हैं जो जहां पर तीस सालों से कुछ नहीं होता था वहां पर मात्र वेस्टिकम्पोजर चार से पाँच हज़ार लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दिया और मात्र ये समझिए कि बयालीस दिन के अंदर अंदर ही उस खेत में आज फसल लहला रही है ये काफ़ी वीडियो इसके जो हैं वो मेरे इस चैनल के ऊपर भी अपलोडेड हैं माने चंद्रा जी के चैनल के ऊपर भी अपलोडेड हैं उनको आप भली बात देख पाएंगे अगला उसमें आप तीसरा जो रास्ता है वो एक ये अपना सकते हैं जैसे मान लो कि आपको कोई भी पौधे लगाने हैं या जैसे कोई भी क्रॉप्स आपको लगानी हैं जैसे सब्जियां अगर आपको करनी है तो उसमें जो फसल के अवशेष हैं जैसे कि सरसों का भूसा है या गेहूं का भूसा है या धान का भूसा है उस भूसे को आप मल्चिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कॉटन के अंदर अगर हम बात करें तो तीन फुट या ढाई फुट के ऊपर जो बीच में स्पेस होता है अगर उस स्पेस में आप जैसे एक प्रत बना देंगे उस भूसे की आसानी से आ, मल्चिंग जिसे हम बोलते हैं वो मल्चिंग कर देंगे अगर बीज लगाने के बाद तो उसमें आप देख पाएंगे कि एक तो खरपतवार से आपका पीछा छूट जाएगा खरपतवार उस खेत में बिल्कुल कते ही नहीं होगी और जो नीचे की जो मिट्टी होगी वो बिल्कुल मुलायमपन उस मिट्टी में होगा और नमी तो ये पूछिए मत कि कितनी उसमें सुरक्षित रहेगी जहाँ पर अगर आप बग़ैर मल्चिंग किए उस भूसे की बग़ैर मल्चिंग की, है, की, मल्चिंग की है अगर आपने फसल अगर लगा रखी है उसमें अगर आठ सिंचाइयाँ या चार सिंचाइयाँ पांच सिंचाइयाँ आप करते हैं तो मल्चिंग करने के बाद आपको दो या तीन सिंचाइयाँ ही करनी पड़ेंगी क्योंकि इसको मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है और मैंने मेरे साथ में एक फार्मर है उसको मैंने इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश भी की तो उसने बताया कि मैं सर मैं पिछले तीन साल से इस विधि का उपयोग कर रहा हूँ हमारे यहाँ कोटन में जैसे बारह से तेरह सिंचाइयाँ किसान साथी चौदह सिंचाइयाँ करते हैं मैं मुश्किल से चार या पाँच सिंचाई ही करता हूँ तो उसमें अगर उस चीज़ की अगर भूसे भूसे की भी आप मल्चिंग कर देते हैं तो भी वहाँ आपकी जो नमी है वो सुरक्षित रह सकती है और बरसात का जो मौसम है वो लगातार तीन महीने चलेगा उसमें पानी को स्टोरेज अगर आप करना चाहें तो वो भी कीजिए और उसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सबलिंगर फुहारों के माध्यम से या टपका विधि के द्वारा आप उसको देने का काम कीजिए ताकि जब भी आप उसमें सिंचाई करें क्योंकि अगर उसमें भूसे कि आप मल्चिंग करते हैं तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता जो 20 से 22 दिन में पड़ेगी उससे पहले आपको नहीं पड़ेगी तो आसानी से ये विधि आप अपना सकते हैं उसके साथ मैंने पहले वाला जो तरीका बताया कि आप चार हज़ार पाँच हज़ार लीटर जो भी वेस्टी वेस्टिकम्पोज़र है वो बना के तैयार रखिए जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के तुरंत बाद उसमें आप उसका यूज़ कर दीजिए उसका उससे ये फ़ायदा होगा कि उसमें नमी जो आपकी है खेत के अंदर जो नमी है वो सुरक्षित रहेगी बिल्कुल यानी वेस्टी वेस्टिकम्पोज़र जहाँ पर उपयोग हुआ है वहाँ पर सिंचाई अगर हम चार दिन पाँच दिन के अंतराल से करनी आवश्यकता होती है तो वेस्टी कम्पोज़र के उपयोग से वहाँ पंद्रह बीस दिन तक आप आसानी से सिंचाई ना भी करेंगे तो फसल ऊपर कोई भी असर किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा और वैसे तो मुख्य रूप से जो मैंने देखा है कि बरसात का पानी किसान साथी स्टोरेज करते हैं और स्टोरेज करने के बाद ट्रम्प बाय ट्रम्प हर माह जैसे जिस तरीके से वो देने का काम करते हैं तो उसमें वेस्डी कम्पोजर अपनाने का ये फ़ायदा आपको होगा अगर आप विदाउट वेस्ट डी कम्पोजर खेती अगर कर रहे हैं बरसात के पानी से तो अगर आपको 10 से 15 दिन में अगर सिंचाई करनी पड़ रही है या सात दिन में सिंचाई करनी पड़ रही है तो वो टर्न आपका लंबा हो जाएगा क्योंकि वेस्ड डी कम्पोज़र जो आपकी खेत में जो नमी है उस नमी को बरकरार रखने में काफ़ी सहयोग आपका करेगा तो आप इस तरह से ऐसनचित जो क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है या कोई नहर या तालाब की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर वेस्ट वेस्टिकम्पोजर बरसात आने से पहले आप तैयार रखिए उसका तुरंत उसमें आप उपयोग कर दीजिए छिड़काव विधि में खाली जो खेत पड़ा है 100 परसेंट छिड़काव उसमें आप कर दीजिए जितना आपसे बन पाता है चार हज़ार लीटर आपसे बन पाता है पाँच हज़ार लीटर आप दे पाते हैं या छः जितना भी दे पाते हैं अगर उसमें आपने बरसात के समय में डाल दिया तो वो सारा वेस्ट कंपोजर उसमें बहुत अच्छे से काम करेगा फिर दूसरा काफ़ी किसान साथी बार बार पूछते भी हैं क्या सर हमने वेस्ट कंपोजर उसमें दे दिया और सूखा आ गया तो क्या वो बैक्टीरिया मर जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है किसान साथियों जो भी आपने वेस्ट डी दिया वो कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा पहली बात तो उसमें नमी बरोबर रहेगी और दूसरा उसमें अगर मान लो ज़्यादा सूखापन आ भी जाता है तो वो जो उसके जीवाणु हैं वो जीवाणु नीचे चले जाएंगे और नीचे जाने के बाद वो थोड़े से निर्जीव अवस्था में हो जाएंगे जब भी उसमें आप सिंचाई करेंगे जब भी उसमें पानी देंगे तो वो पुण्य पॉजिटिव होकर अपना काम करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक देखा भी है कि जैसे हमारा राजस्थान गुजरात के कच्छ क्षेत्र की जो बात करें वो काफ़ी जो सूखा एरिया है जहाँ पर हमारे जो काफ़ी फार्मर हैं दस बारह फार्मर हैं जो वैश्विक कम्पोज़र का लगातार कंटिन्यू उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट जो मिल रहा है मुख्य रूप से वो बागवानी का काम करते हैं या कोई वेजिटेबल वगैरह वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए दो तरीके आपके पास बिल्कुल आसान हैं एक तो गोबर की खाद आप बना के तैयार रखें वैश्डिक कम्पोज़र के माध्यम से दूसरा वैश्डिक कम्पोजर का गोल जितना आप दे पाते हैं उतना उतना गोल आप रेडी रखें ताकि जैसे ही बरसात होती है तो बरसात में वो पूर्ण रूप से खेत में आप दे सकें क्योंकि बरसात का जो मौसम तीन महीने चार महीने लगातार कंटिन्यू रहेगा तो जब जब बरसात हो उस बरसात में आप अगर क्रॉप्स भी अगर आपने लगा दिए तो भी वेस्टी कंपोजर का छिड़काव आप उसमें कीजिए और गोबर की खाद जैसे आप वहाँ नर्सरी लगाते हैं गोबर की खाद अगर उसमें डाल के आप रखेंगे कोई भी पौधे अगर लगा रहे हैं बागवानी अगर आप कर रहे हैं तो हर गड्ढे में अगर वैश्डिकम्पोजर से तैयार गोबर की खाद अगर डालेंगे तो उसमें नमी की मात्रा बरूबर सुरक्षित रहेगी संचित रहेगी आपको बार बार उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगला मैंने आपको जो उसका बताया है जो भुस्से का आप उपयोग आसानी से उसमें कर सकते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा ये नहीं है कि जैसे सिंचाई के क्षेत्र में जैसे हम जो सिंचाइयाँ जहाँ हो रही हैं वहाँ पर वेस्टी कम्पोजर अकेला वहीं उपयोग हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है आप ऐसे क्षेत्र में भी वेस्टी कम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं वहाँ पर अपनी नमी को आप बराबर बना के रख सकते हैं तो किसान साथी हो आज का यही हमारा यही मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा फिर भी अगर किसी किसान साथी को अगर कुछ इससे संबंधित अगर सवाल जवाब अगर करने हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर आप अपने तरफ से मैसेज जरूर कीजिए ताकि आप मेरी तरफ से जो अनुभव होगा वो जरूर मैं आपके बीच में शेयर करने का काम करूँगा तो ड्रीचिंग का जो मैंने आपको बताया है वो तरीका भी एक बहुत सुंदर तरीका है एक तो वो अच्छा धीरे धीरे जब उसमें आप वेस्टिक कम्पोज डालेंगे तो एक अच्छा कंपोस्टिंग खाद भी का भी रूप धारण करके वो पौधे को खाद का काम भी करेगा उसके साथ साथ आपके खेत में नमी बनाए रखेगा उसके साथ साथ आपके खेत में जो खरपतवार की जो समस्या आपको बार बार परेशान कर रही है उससे भी वो आपको छुटकारा मिलेगा तो आप इस विधि का भी उपयोग कर सकते हैं दूसरा पानी स्टोरेज करके रेन वाटर स्टोरेज करके ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से भी आप आसानी से उसमें बागवानी लगा सकते हैं सब्जियाँ लगा सकते हैं या आप जैसे कॉटन की जो समय चल रहा है कॉटन उसमें आप लगा सकते हैं और उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि बरसात आने वाली है जैसे बरसात का कुछ समय अभी बाकी है तो आपको कितना देना है दस हज़ार पाँच हज़ार जितना भी आपको देना है वो वेस्टी कंपोजर आप बना के तैयार रखें ताकि जैसे ही बरसात हो तो तुरंत बरसात होते ही आप उसको खेत में डाल देना है वो सारा जमीन में जाएगा और ज़मीन में आपके जो भी वेस्ट पड़ा है जितना भी कचरा कूड़ा जो भी पड़ा है वो सारा वेस्ट डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज करेगा और उसमें एक लंबे समय तक यानी नमी बनाए रखेगा वेस्टिकम्पोजर वैसे सिंचाई वाले क्षेत्र में भी जहाँ पर सिंचाइयाँ आठ से नौ दस बारह सिंचाइयाँ होती थी वो किसान साथी भी पाँच से छः सिंचाइयाँ आप कर रहे हैं तो ऐसे सिंचित जो क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ वेस्ट डी कम्पोजर आपके लिए रामबान का काम कर सकता है अगर आप सिस्टम से सही ढंग से अगर उसमें आप उपयोग करेंगे तो उसमें साथ साथ आप माइक्रोन्यूटन भी देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं स्टोन का जैसे पत्थर का गोल है वो अगर आप देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं तो आप किसान साथियों मैं यही लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जितना हाउस के जितना वेजिटी कम्पोजर आप देना चाहें उस खेत में उतना वेजिडी कम्पोजर आप बना के तैयार रखें और गोबर की खाद भी अगर आपको बागवानी लगानी है तो गोबर की खाद भी आप जरूर बनाएं नर्सरी अगर आपको वहाँ तैयार करनी है तो उसके लिए भी गोबर की खाद तैयार करें ताकि उससे आपकी जमीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेक्ट है वो भी बढ़ेगा उसके साथ नमी भी आपके खेत में सुरक्षित रहेगी और एक अच्छी खाद पौधे को मिलेगी तो वहाँ किसी तरह की समस्या आपको बिल्कुल नहीं आएगी तो इस विधि से किसान साथी ऐसी सिंचित जो क्षेत्र है वहाँ पर कंपोजर का 100 परसेंट छिड़काव में उपयोग कर सकता है अगर आपके पास वहाँ फसल नहीं है तो तो भी वो काम करेगा बिल्कुल और ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि जब उसमें सूखा आ जाएगा तो बैक्टीरिया वो चले जाएँगे मर जाएंगे ऐसी भ्रांतियों में आप बिल्कुल कतई ही ना रहें वो बैक्टीरिया वहीं सुरक्षित रहेंगे इतना है वो निर्जीव अवस्था में चले जाएँगे जब भी नमी की नमी उस खेत में आएगी या नमी उसमें आप डालने का काम करेंगे तो वो तुरंत अपना काम करना शुरू कर देंगे तो किसान साथियों जो अगला जो हमारा पार्ट होगा उस पर हम बात करेंगे बीज भंडारण के ऊपर यानी जैविक तरीके से किस तरह से हम बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि अभी अभी फसल किसानों की निकल के तैयार हुई है और दूसरा उसमें हम चर्चा जो करेंगे वो हमारी चर्चा होगी कि किस तरह से हम देसी बीज अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगा सकें ताकि हमें बाज़ार से बीज लाने की आवश्यकता नहीं हो इन विषयों पर हम चर्चाएँ करेंगे और हर विषय के ऊपर जैसे ये वीडियो बनने के बाद नवा वीडियो बनने के बाद बीज के वीडियो बनने के बाद हम आगे माइक्रोन्यूटेन के ऊपर बातचीत करेंगे फिर हम कीटनाशक के ऊपर बातचीत करेंगे तो जितने भी पार्ट बनेंगे हर पार्ट में विस्तार से उसकी मात्रा क्या लेनी चाहिए आपको किस फसल में कितना उपयोग करना चाहिए तो सभी के बारे में विस्तार से चर्चाएँ हम किसान साथियों करेंगे और आप बेफिक्र रहिए हर फसल के बारे में चर्चाएँ की जाएगी हर फसल के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी उसमें ये जानकारी तक यहाँ तक दी जाएगी उसमें जो भी कीट आते हैं जो भी रोग आते हैं उनसे किस तरह से हम अपना बचाव कर सकें और किसान साथियों इन वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करने का काम कीजिए जो नए किसान साथी उनके बीच में बताने का काम कीजिए ताकि इससे किसान साथी कुछ सीख के आगे अपना जो भी जैविक भी खेती के जो भी उन्होंने स्कीम बना रखी है जो भी उन्होंने शेड्यूल जो तैयार कर रखा है उसमें उनको लाभ लाभ मिल सके तो इन्हीं के कि साथ किसान साथियों में अपने शब्द को अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ जय हिंद नमस्कार राम राम